नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनावों के ठीक पहले छात्र चुनावों की भी सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों में सामने आ रही है। लेकिन जब हम इस छात्र राजनीति छात्र चुनावों की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि जिस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं ठीक उससे एक वर्ष पहले छात्र राजनीति के चुनाव कराए जाते हैं और चुनावों के बाद चार वर्षों तक किसी भी प्रकार के छात्र राजनीति के चुनाव नहीं होते हैं। तो सिर्फ राजनैतिक नज़रिए से, राजनैतिक चश्मे से, लाभ की दृष्टि से एक वर्ष के लिए चुनाव कराना और फिर चार वर्षों तक चुनाव नहीं होना, ये किस हद तक जायज है और इस पर युवा साथी क्या सोचते हैं, इसी विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसा समझ में आ रहा है, कुछ राजनीतिक गलियारों से खबरें भी सामने आ रही हैं कि इस वर्ष या इसके अगले जो सत्र है उस सत्र में फिर से चुनाव होने वाले हैं स्टूडेंट्स यूनियन के। लेकिन पिछले चुनाव हुए थे 2017 में, 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, अब 2023 में होने वाले हैं, तो अब फिर से सुगबुगाहट आ रही है। कहीं ना कहीं छात्र राजनीति देश की राजनीति के लिए फ्लोर टेस्ट साबित हो रही है क्या? हम सभी छात्र संघ पदाधिकारी जी, 2017 के चुनाव में हम छात्र संघ ने चुनाव जीते जी, बड़े ही उत्सुकतापूर्ण और बड़े बहुमत से जीते जी। यह चुनाव हम लोगों के लिए बहुत ही अव्वल रहा। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जनता दल हो, अन्य सरकारें हो, इन सब से हम लोगों ने संघर्ष करके छात्र संघ चुनाव छात्रावास अकेले दम पे जीता था जी। जो कि अभी भी हम लोग छात्र संघ चला रहे हैं जी। इसी आधार पर अब सरकारें जो है हम लोगों को युवा युवा कहकर हम लोगों को आश्वासन दी रहती हैं कि युवा हैं, ये देश के भविष्य हैं। ये भविष्य जब देश के भविष्य हैं तो बस राजनीतिक पार्टियाँ ही इन युवाओं को अवसर ना देकर खुद को राजनीति के अवसर पर 24 घंटे लाती हैं, हर वक्त देश में जो है राजनीति करती हैं। ये हम लोगों को दिखाने के लिए, आश्वासन देने के लिए कि छात्र जो है शांतिपूर्ण रहे आएँ और सरकारों के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, इसलिए चुनाव नहीं कराए जाते। तो चुनाव करवाने से जो छात्र राजनीति को बढ़ावा मिलने वाला है, जो युवा नेता तैयार होने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनको दबाने का ये षड्यंत्र कहा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, यही है कि छात्र आगे ना जा पाए, युवा है, कुछ सीख लेंगे तो इनको आगे चल के जो आगे पदाधिकारी उनको दिक्कत होगी, इसलिए ये सब कर रहे हैं। छात्र चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? छात्र चुनाव होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। क्यों अहम मानते हैं आप राजनीति के नज़रिए से अगर देखते हैं? कई बार तो ये भी हवाला दिया जाता है कि छात्र हैं वो पढ़ाई करने के लिए आए हैं, शिक्षा लेने के लिए आए हैं, इसलिए उनको राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करनी चाहिए। तो जब ये तर्क दिया जाता है, इस तर्क को लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, राज छात्र संघ का वो होना चाहिए, क्योंकि छात्र संघ का जब चुनाव होगा तभी सभी छात्रों को उनका अधिकार प्राप्त होगा। तो जब अधिकार प्राप्त होगा तभी सब बच्चे आगे आएंगे। आज की डेट में देखा जाए तो बच्चों के साथ उनका शोषण तो किया जा रहा है, डिपार्टमेंट में देखा जाए तो बच्चे जब शिक्षित होंगे तभी उनको उनका अधिकार के बारे में पता चलेगा, तो छात्र संघ होना जरूरी है। और जो 5 वर्षों में एक बार चुनाव कर दिया जाता है, कुल मिलाकर कि इसको भी पंचवर्षीय योजना बना दिया गया है कि 5 साल के विधायक होते हैं और 5 साल के छात्र संघ अध्यक्ष भी, तो किस हद तक सही कहते हैं, किस हद तक गलत? ये हद तक क्या, आप एकदम से गलत है। ये युवा राजनीति की हद नहीं, युवा राजनीति की हत्या के युवा राजनीति की हत्या की जा रही है और युवाओं की राजनीति को समाप्त करने के लिए संगठनों का ये कूटकरण है, ये राजनीतिक कूटकरण है, जिससे युवा ऊपर ना उठें और सरकारों के खिलाफ आवाज ना उठाएं और अपना अधिकार ना मांग सकें। इसलिए युवाओं को दबाने के लिए सरकार की ये रणनीति और कूटनीति है, जिससे युवा यदि सरकार के खिलाफ बोलने लगेंगे, आवाज उठाने लगेंगे, तो राजनीतिक पार्टियां उन दबाव में आके उन्हें काम करना पड़ेगा। इसलिए युवाओं को अधिक दबे रहें और अपना अधिकार ना मांग पाएं, सरकार मनमानी तरीके से कार्य करती रहे, इसके लिए छात्र चुनाव को रोक कर रखा जाता है। और जब चुनाव आने वाला होता उसके पूर्व इसलिए कराया जाता है कि युवाओं का वोट भी उन्हें मिले। और एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहेंगे कि जो छात्र राजनीति की जब हम बात करते हैं, मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश पे 2 संगठन प्रभावी हैं, NSUI और ABBP, और दोनों संगठन जो हैं, एक NSUI कांग्रेस का अनुगामी संगठन है और ABBP कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन है।
तो किसी की भी सरकार आती है, ये संगठन भी कहीं ना कहीं उस सरकार की इस स्वप्रेरणा को आगे बढ़ाने में हिस्सेदारी करते हैं क्या, कि ये आवाज नहीं उठाते हैं कि हमें चुनाव पे जाना चाहिए, क्योंकि जो इनके आला अधिकारी होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, वो इनको दबा करके रखती हैं। जो संगठन होते हैं वो अपने अपने पार्टियों के बस में ही चलते हैं, उनके आदेशों पे ही कार्य करती हैं। वो संगठन है जो विपक्ष का संगठन, जिसकी सरकार नहीं होती, वो चुनाव कराने की आवाज़ उठाएगा। जो सरकार होती है, जिसकी सरकार के खिलाफ ही हर मुद्दों को उठाएगा। दूसरा संगठन ये नहीं सोचता ये गलत क्या है सही क्या है, वो तो ये देखते हैं यदि सरकार ये कुछ बोल रही तो उनको कुछ बोलना है, यदि विरोध करेंगे, विरोध करने से उनका नाम उठता है, और वो विरोध करेंगे तभी तो उनको उनकी सरकारें ऊपर आएंगी, उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वो विरोध करते हैं। वो छात्र राजनीति को लेके कार्य नहीं करते, छात्र राजनीति को लेके छात्र ही अपनी आवाज़ उठाते हैं, उन आवाज़ों को दबाने का कार्य सरकार करती है, छात्र ही उठाते, संगठन आवाज़ नहीं उठाता कि चुनाव कराया जाए कि न कराया जाए, विपक्ष वाले जरूर आवाज़ उठाते हैं, जिसकी सरकार होती वो नहीं उठाते। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि कहीं ना कहीं जो राजनैतिककरण हो जाता है, जो संगठनात्मक संरचना निर्मित होती है, तो उसकी वजह से भी ये छात्र चुनावों को टाला जाता है। और अहम कितना है ये छात्र चुनाव? छात्र चुनाव देखा जाए एक नज़रिए से तो बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हक की परिभाषा यही होती है कि वह बिना लड़े सहज रूप से प्राप्त नहीं होता है। तो हमारी बात और संगठन में कही हुई बात जरूर अंततः भले ही देर लगे पर सफल जरूर होती है संगठन में कही गई बात। तो छात्र चुनाव बहुत ही ज़रूरी है, और मेरे मत से युवा किसी जाति का नहीं होना चाहिए, युवा अपने देश की उन्नति पर ध्यान देते हुए अपने देश का होना चाहिए, उसे किसी जाति या धर्म के या संप्रदाय के बंधन से मुक्त होकर अपने देश को ध्यान देना चाहिए। वो किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करे, बल्कि वो यह देखे कि कौन सी पार्टी हमारे देश के हित में कार्य कर रही है, उसी पार्टी का हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उस पार्टी का विरोध जो देश के उन्नति में कार्य कर रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो यह चुनाव देश की उन्नति के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और युवाओं के लिए स्वप्रेरणा का कार्य भी करते हैं। ये चुनाव होने चाहिए? हाँ बिल्कुल होने चाहिए। और अगर अभी चुनाव होते हैं तो आप लोग सरकार की इस जो शुरुआत है तो इसका स्वागत करते हैं, या फिर अभी भी यही सवाल है कि एक बार चुनाव हो जाएंगे फिर 5 साल बाद होंगे कि नहीं होंगे? वो चुनाव एकदम हो गए तो छात्र संघ के लिए मतलब जो अच्छा काम करे छात्र संघ तो उसको निरस्त ना किया जाए, कोई डेट ना बनाया जाए कि 5 ही साल यो ना हो, क्या जो अच्छा काम कर रहा है छात्र संघ तो उसको चलते रहना चाहिए, मतलब कि कार अच्छा कर रहा है तो उसको कुछ मत करिए, किसी का ना बनाइए साल 5 साल डेट। लेकिन ये बताइए कि ये तय कैसे होगा कि कौन सा व्यक्ति कार्य अच्छा कर रहा है, कौन सा संगठन कार्य अच्छा कर रहा है? कहीं ना कहीं ये तो फिर सरकार की नाक के नीचे का ही काम हो जाएगा, सरकार जिसको चाहेगी उसको 5 साल तक बना के रखेगी और जिसको चाहेगी तो चुनाव ही नहीं करवाएगी, आगे बढ़ने ही नहीं देगी, तो ये भी तो एक सवाल है। तो सरकार है जो ना, जो सरकार जो छात्र संघ है, जो छात्र संघ के चुनाव करवाएं, हम यही चाहते हैं कि छात्र संघ जो चुनाव करवा रहे हैं वो अच्छी करवा रहे हैं, क्या छात्र संघ के जो प्रशासन जो कड़ी कड़ी कुछ आवश्यकता जो चीज़ों को दबा के रखती है ना, तो जो छात्र संघ होते हैं तो छात्रों के लिए कुछ आवश्यकता पूर्ण कार्यों को दबा के रखते, तो छात्र संघ उनको जगाते हैं कि छात्रों की कुछ आवश्यकताओं को मत दबाइए, उनको दो अपना अधिकार दो, तो छात्र संघ की चुनाव होना बहुत ही आवश्यक है। चुनाव होने चाहिए और हर साल होने चाहिए, जो अनियमितताएं हैं वो खत्म होनी चाहिए। जी जी। तो इस बार जो शुरुआत होगी उसके बाद ये लगभग लगातार चुनाव होंगे, और जिससे छात्र राजनीति से जुड़े हुए युवाओं को राष्ट्रीय पटल की राजनीति में भी आने का एक स्थान मिलेगा। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।